Good morning, my dear students. I hope you all are fine, enjoying your time. Hoping so that we will see you soon in this school. Okay. Today we will start with our that topic which we were already carrying on. हमारे जो topic था उसको carry on हम लोग करेंगे. We studied about what Mahajanapads and all earlier introduction Mahajanapads. Then we started about Maurya dynasty. We studied about Chandragupta Maurya. मौर्य फाउंडर ये कौन थे फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी मौर्य डायनेस्टी के चंद्रगुप्त मौर्य कहते फाउंडर आफ्टर हिम केम बिंदुसारा बहुत सारा बिंदुसारा ओके बिंदुसारा देन के टुडे वी विल स्टडी अबाउट अशोका सन ऑफ बिंदुसारा हैव यू सीन अशोका सॉरी हैव यू हर्ड एवर अबाउट इन योर प्रीवियस क्लासेस आपने सुना भी होगा अशोका दी ग्रेट जो महान सम्राट थे कहाँ के थे मौर्य डायनेस्टी कहाँ पे थी मगध में ओके मगध सो अकॉर्डिंग टू जैन हेरेसी अशोका ऑक्यूपाइड मगध रूल अगेंस्ट द विश ऑफ बिंदुसारा मतलब क्या है अशोका बिंदुसारा की इच्छा विरुद्ध राजा बन गए मतलब बिंदुसारा की कोई इच्छा नहीं थी कि अशोक को राजा बनाए लेकिन अशोक फिर भी राजा बन गए थे जो जितने भी जो रिकॉर्ड्स थे फ्रॉम मसाकी टू गुजारा रिकॉर्ड्स जो साउथ इंडिया में डिस्कवर किए थे उसमें जो है अशोका को जो है अलग अलग नाम दिए गए थे इन द रिकॉर्ड्स ही हैज बीन एडॉर्न्ड विद द टाइटल उनका क्या क्या नाम दिया हुआ है अशोका का टाइम जो साउथ के रिकॉर्ड्स में देवनाम प्रिया देवनाम प्रियदर्शी ये सारे जो है अशोका का नाम दिए गए थे ओके देन अशोका ने जो है शादी की थी विदिशा की जो प्रिंसेस थी उसे शादी की थी और देन ही हैड टू चिल्ड्रंस डॉटर जिनका नाम क्या था संगमित्रा एंड सन हुज नेम वाज महेंद्र ओके दो बच्चे उनके हुए हिज क्वीन कुरुवाकी जो रिकॉर्ड में मेंशन किया गया उनके जो रानी का नाम क्या था कुरुवाकी जो रिकॉर्ड्स में मेंशन किया गया सेवन ईयर की कॉरोनेशन के बाद कॉरोनेशन मतलब जब जो उनका राज्याभिषेक हो गया उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी जगहों को अपने जो है एरिया में इंक्लूड कर दिया ओके कश्मीर कोटन ठीक है अपने एम्पायर में बढ़ा दिया था तमिलनाडु के उनके रीजन के टाइम तमिलनाडु के अलावा जो सारा इंडिया जो है लगभग उनके कवर में आ गया एनी एट ईयर ऑफ कॉरोनेशन आठ उनके कॉरोनेशन के आठ साल बाद कितने साल बाद आठ साल बाद मीन्स इन 261 BC जो है उसमें मतलब जो अशोका आठ साल राजा रह गए उसके बाद 261 में उन्होंने क्या है ही इन्वेटेड कलिंगा कलिंग युद्ध फेमस कलिंग युद्ध जो है हुआ था तो ही इन्वेटेड कलिंगा कलिंगा पे उसमें जो है आक्रमण कर लिया था इन दैट वार थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल वर किल्ड हजारों लाखों लोग जो है उस वॉर में बहुत ही जो खतरनाक वॉर हुआ था उसमें लाखों लोग जो है मर गए थे काफी जख्मी हो गए थे काफी बुरी तरीके से मर गए थे ठीक है अशोक कलिंग को जीतना चाहते थे एंड इट इज सेड दैट जो पास में कलिंग युद्ध जो इतना खतरनाक युद्ध था इतना बुरा युद्ध था कि पास में जो नदी बह रही थी उसका रंग जो है पूरा लाल वो तो इतना खून खराबा जो है उस युद्ध में हुआ ओके ये हाथी गुम्फा जो रिकॉर्ड है जो एक रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है ठीक है और उसमें कहा गया है कि नादरंजन जो कलिंगा के राजा थे दिस मास किलिंग डिस्ट्रेस अशोका टू एक्सटेंड ठीक है उसके खिलाफ जो है नादरंजन जो नंदा राजा जो वहाँ पे कलिंग पर राज करते थे उनके खिलाफ में अशोका वहाँ पर गए इतना सारा डिस्ट्रक्शन देखकर अशोका क्या है बहुत ही दुखी हो गए एंड देन ही डिसाइडेड टू गिव अप आर्म्स उन्होंने डिसाइड किया कि अब से मैं हथियार का इस्तेमाल नहीं करूँगा ओके देन उपगुप्ता अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ श्रीमान निग्रो एंड उपगुप्ता अशोका ने क्या किया जो है बुद्धिस्ट धर्म को उन्होंने अपना लिया एंड धम्मा गोष उन्होंने अपना लिया ठीक है अकॉर्डिंग टू कलहंस रजत रागिनी अशोका वॉज वर्शिपर ऑफ शिवा बिफोर अडॉप्टिंग बुद्धिस्म रजत रागिनी के अकॉर्डिंग जो है अशोका बुद्धिस्ट से पहले क्या शिव जी की आराधना किया करता था
ओके देन बाद में वो डिसिपल बन गए थे जो चेन के जो गुरु थे उनके, जितने भी जो पुराने हिल्स है वहाँ पर बहुत सारे उन्होंने जो है केव्स, ठीक है, केव्स वगैरह उन्होंने बनाई, केव्स गुफाएं उन्होंने बनाई, बहुत सारे उन्होंने जो है स्तूप वगैरह बनाए, ओके सांची स्तूप वगैरह जो सरनाथ सांची, ये सारे काम उन्होंने किए। टैक्स जो है उन्होंने घटा दिया, पहले जो लैंड टैक्स जो भी है टैक्स था वो क्या था 1.6 था, ठीक है, अब कितना हो गया 1.8, उन्होंने टैक्स वगैरह कम कर दिया। रिलीजियस रिफॉर्म्स के लिए मतलब बुद्ध धर्म के लिए जो है ताकि लोगों के अंदर बुद्ध धर्म फैलाए, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए, लोगों को बहुत सारे जो है गाइडलाइंस दी कि उन्हें क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, उनके राज्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब उन्होंने जो है फैसला लोगों को बताया। ओके अब इसके बारे में हम लोग एक बार जो है वापस अशोक के बारे में रिवाइज करते हैं। अशोका जो है विदाउट द विश ऑफ मतलब बिंदुसार के विश के खिलाफ जो है वो राजा बन गए। उनका जो है साउथ की बुक में जो उनका रिकॉर्ड में जो है उनका नाम जो है देवनाम प्रिया, देवनाम प्रिय दर्शी, इस तरह के उनके नाम वगैरह बताया गया था। उन्होंने जो विदिशा ओके प्रिंसेस ऑफ विदिशा, विदिशा की राजकुमारी से जो है गुरुवाकी से उन्होंने शादी की थी, उनसे उनके दो बच्चे हुए थे संघमित्रा एंड महेंद्र। ओके धीरे धीरे जो है ही स्टार्टेड 7 years जब तक वो किंग रहे ही स्टार्टेड विनिंग, उन्होंने कश्मीर को जीत लिया, खोटिन को जीत लिया, देन वेन एट द 8 year ऑफ एट तमिल के अलावा तमिलनाडु के अलावा उनका सारा रीजन उनके अंडर में था। जब उनको राजा बने हुए 8 साल हो गए, राज्याभिषेक को कॉरोनेशन का मतलब क्या राज्याभिषेक को 8 साल हो गए, देन वॉट हैपन देन ही इन्वेटेड ऑन कलिंगा 261 में BC में जो है उन्होंने कलिंग पे आक्रमण किया, देन लैक्स ऑफ पीपल वर किल्ड, और पास में जो ऐसा कहा जाता है जो पास में जो नदी बह रही थी उसका रंग पूरा लाल हो गया। ओके आफ्टर दैट इतना डिस्ट्रक्शन देखने के बाद, इतनी जो हानि देखने के बाद, इतना नुकसान देखने के बाद, लोगों का दर्द पीड़ा देखकर अशोक का मन क्या है पिघल गया। देन ही डिसाइडेड ओके कि ही विल गिव अप, जितने भी हथियार है हथियार का इस्तेमाल करना वो छोड़ देंगे। उपगुप्ता और श्रीमन की जो कहने पर जो उन्होंने उनके जो अंडर में जो उन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया था बुद्धिज्म अपना लिया था। बुद्धिज्म अपनाने के बाद जो है उन्होंने बहुत सारे काम वगैरह किए, केव्स और बनाए। रजत रागिनी जो एक कलंद की एक बुक है उसके अकॉर्डिंग जो है अशोक जो है पहले बुद्धिज्म के पहले कौन से भगवान की पूजा पाठ करता था शिव जी की, लॉर्ड शिवा को वो पूजा वगैरह करते थे। उन्होंने बहुत सारे जो है लेटर ही बिकेम द डिसिपल ऑफ मोंगली पुत्र तीसा, उनका जो है मोगली पुत्र जो तीसा है उनका जो क्या बन गए शिष्य बन गए। ओके वो कौन थे एक बुद्ध गुरु थे। इन द एडजेसेंट हिल अशोका बिल्ड केव्स फॉर द सेटलमेंट ऑफ हिज डिपेंडेंट नेमली सुमादा चापार विश्व झोपड़ी एंड करना। उन्होंने अपने जो भी लोग थे उनके लिए सेटलमेंट डिपेंडेंट जो भी जो निर्भर लोग थे उनके लिए उन्होंने केव्स में जो है केव्स बनाए, घर वगैरह उनको बनाकर दिए। ही परफॉर्म उन्होंने क्या है रिलीजियस ट्रैवल किया था मतलब एक जगह से दूसरी जगह रिलीजियस धर्म के प्रचार के लिए घूमे थे। ओके बोथ गए इन द 10th year ऑफ हिज कॉरोनेशन एंड टू लुम्बिनी कपिलावस्तु, लुम्बिनी कपिलावस्तु वो सब जगह जो है 10 साल जब उनके कॉरोनेशन के राजा बने हुए हो गए तो लुम्बिनी कपिलावस्तु बोध गया सब जगह वो गए। इन द ईयर ऑफ हिज कॉरोनेशन इट इज नोन एज फ्रॉम रुद्रमणि रिकॉर्ड अशोका हैज रिड्यूस्ड, रुद्रमणि जो एक बुक था उसके अकॉर्डिंग जो है कि अशोका ने जो है टैक्स जो होता है कर जो है 1/6 से कितना कर दिया 1/8 मतलब टैक्स क्या है कम कर दिया उन्होंने। ओके टैक्स क्या कर दिया उन्होंने कम। देन चोला चेहरा पांडे केरला हैव बीन डिस्क्राइब्ड एट 4 नेबरिंग इंडिपेंडेंट स्टेट एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। अशोका के टाइम में जो 4 नेबरिंग इंडिपेंडेंट स्टेट थे वो कौन से थे चोला पांड्या चेहरा और केरला के थे। इन द माइनर रॉक एडिक एसोसिएटेड विद हिज कॉलोनी अशोका हैज डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज बुद्ध बुद्धा शाक्य, ठीक है। माइनर जो एडिक्शन जो भी थे उन्होंने जो भी रॉक एडिक्शन मीन्स क्या किया पत्थरों पर जो खुदाई करके क्रेविंग की थी उसमें उन्होंने लिखा था अशोका ने खुद को क्या कहा था बोध शाक्य मीन्स बोध का जो नॉलेज रखने वाला बोध को जो मानने वाला जो व्यक्ति है वो उन्होंने खुद को कहा।
कलिंगा तक हमने रिवाइज कर लिया था। ओके देन शिव जी को छोड़ने के बाद, मतलब शिव की आराधना छोड़कर वो क्या है, बुद्ध धर्म को मानने लग गए, और तब वो जो है मोगली पुत्र जो तीसरा थे उनके जो है शिष्य बन गए। अशोका ने अपने जितने भी जो डिपेंडेंट थे उनके लिए बहुत सारे घर वगैरह बनाए, ठीक है। और 10th ईयर जो उनका था, राजा बने हुए 10 साल हो गए, देन ही विजिटेड धर्म की जो उन्होंने यात्रा की, कहाँ तक, लुम्बिनी कपिलावस्तु से बोध गया, ये सब जगह जो है लुम्बिनी की, कपिलावस्तु को लुम्बिनी बोलते हैं, ठीक है, बोध गया से वहाँ पे लुम्बिनी वगैरह तक गए थे, वहाँ से फिर वापस वगैरह आए थे, अपने धर्म का प्रचार वगैरह किया था। देन आफ्टर दैट इट इज सेड इन द रिकॉर्ड्स ऑफ रुमंदई, रिकॉर्ड्स में कहा है, रुमंदई की रिकॉर्ड्स में कहा गया है, रिकॉर्ड जो है उसमें कहा गया है कि अशोक ने जो है टैक्स भी कम कर दिए थे, 1/6 या वो कितने 1/8 लेने लग गए। ओके देन उन्होंने रॉक एडिक्स में खुद को क्या बुद्धा सख्या कहा था, और उनके पड़ोसी इंडिपेंडेंट स्टेट थे वो कौन कौन से, चेहरा पांड्या, देन चोला और केरला के स्टेट थे। देन अब आती बात धम्मा, धम्मा क्या है, मॉरल्स, कुछ नैतिक जो है मूल जो है उनको हम लोग धम्मा कह सकते हैं। अशोक एस्टैब्लिश आइडियल्स फॉर द मॉरल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, इंसान के जो विकास के लिए कुछ नैतिक मूल अशोक ने बताए थे, उनको क्या कहा गया है, धम्मा। ओके डेफिनेशन ऑफ अशोका धम्मा हैव बीन गिवन द 2nd and 7th रॉक एडिक्ट्स, उन्होंने जो पत्रों पर जो खुदाई करके पत्र पर लिखते हैं ना, रॉक एडिक्ट अशोका ने बहुत सारी करवाई, ठीक है, बहुत जगह पर उन्होंने करवाई, तो उनके रॉक एडिक्ट में जहाँ पे भी वो पत्र, एक पत्थर लगा दिया उस पर जो भी है रूल्स और रेगुलेशन के, इसमें ये चीज़ है, एनिमल्स को किल नहीं करना है, बहुत ही क्रूअल जो पनिशमेंट्स होती है, जो बहुत ही क्रूर जो पनिशमेंट्स होती है वो सब लोगों को नहीं देनी, ऐसी वो चीज़ें वो लिखती थी। 7th और जो उनका 2nd और 7th रॉक एडिक्शन में उन्होंने धम्मा के बारे में दे रखा है, उनके अकॉर्डिंग धम्मा का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू हिम शनिंग द एविल एक्शन, जितने भी जो बुरे काम करना, छोड़ना, लोगों की सेवा करना, दया करना, ठीक है, दया करना, लोगों पर जो है डोनेशन करना, मतलब लोगों के जो है पैसे वगैरह देना, दान करना, एंड प्योरिटी ऑफ एक्शन इज धम्मा, और किसी भी काम करना उसकी शुद्धता क्या है, धम्मा है। धम्मा का मतलब क्या है, सारे बुरे काम छोड़ना, लोगों की मदद करना, उनकी सेवा करना, ठीक है, इट इज, और प्योरिटी, उन सारी चीज़ों में क्या होना है, प्योरिटी होना, दैट इज धम्मा, ठीक है। अब धम्मा को फॉलो, द एसेंशियल कंडीशन ऑफ फॉलोइंग धम्मा इंक्लूड, फॉर धम्मा को फॉलो करने के लिए जरूरी चीज़ें क्या है, सैनिट नेचर, परफॉर्मिंग वर्क्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर का काम करना, जितनी भी बुराई है उसे दूर रहना, अच्छा बिहेव करना, सेम थिंग वन एंड द सेम थिंग, की मतलब अच्छा रहना, लोगों की सेवा करना, बुराई नहीं करना, ठीक है, जो भी काम करो पूरी मन की शुद्धता के साथ करना, ठीक है, जरूरतमंद और ब्राह्मणों की जो है मदद करना। अकॉर्डिंग टू 3rd रॉक एडिक्ट देयर इज आल्सो प्रोविजन ऑफ मॉडरली कलेक्टिंग एंड मॉडरली स्पेंडिंग मनी, अब उनका 3rd रॉक जो एडिक्ट था उसमें क्या दे रखा था कि हमें कितना पैसा कलेक्ट करना चाहिए, कितना खर्च करना चाहिए, वो भी उन्होंने मॉडरेट, मतलब ज़्यादा पैसा इकट्ठा नहीं करना चाहिए, कम से कम हम लोग जो दूसरों की मदद कर पाए इतना ही पैसा हमारे पास रहना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बाबू रॉक एडिक्ट अशोका एक्सप्रेस इज बिलीव इन बुद्धा 3 रत्नास, नेमली बुद्धा, धम्मा एंड संगा, वो अपने जो 3rd रॉक एडिक्ट में जो है बाबू जो रॉक एडिक्ट जो था उसमें उन्होंने जो है अपने जो 3 बिलीव्स के बारे में, जो 3 रत्न थे बुद्धा, धम्मा और संगा, उसके बारे में उन्होंने बताएंगे। माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ सांची, सांची कहाँ है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है, सरनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अशोका ऑर्डर द महामात्रास एंड कौशाम्बी एंड पाटलिपुत्र टू बायकॉट द भिक्षुस एंड भिक्षुनीस हु ट्राइड टू डिसयूनाइट देयर काउंसिल, ठीक है, उन्होंने महामात्रास को कौशाम्बी और पाटलिपुत्र ने कहा था कि वो बायकॉट करें, जितने भी जो भिक्षुस और भिक्षुनीस हैं उन सबको क्या करें, बायकॉट करें, ठीक है, बायकॉट करना क्या, उन सबका त्याग करें, जिन्होंने भी जो है वो ट्राई टू डिसयूनाइट द काउंसिल, जो भी हमारा जो परिषद है उसको तोड़ने की कोशिश की। द फर्स्ट एडिक्ट इट वॉज ऑर्डर दैट नो एनिमल शुड बी किल्ड फॉर एनी यज्ञ, फर्स्ट जो एडिक्ट उन्होंने क्या कहा, किसी भी एनिमल को जो जान यज्ञ के लिए, किसी भी प्रकार की चीज के लिए किसी भी एनिमल को नहीं मारा जाएगा। चलो शॉर्टली धम्मा रिवाइज करते हैं। धम्मा मीन्स मॉरल वैल्यूज,
और किसी भी इंसान के डेवलपमेंट के लिए जो मॉरल चीजें होती है उन्हें धम्मा कहते हैं। धम्मा में कौन कौन सी चीज आती है बेटा? बुराई को छोड़ना, अच्छे लोगों को अच्छे बनकर रहना, गुड बिहेवियर करना, जरूरतमंद लोगों की मदद करना, लोगों की सेवा करना, ठीक है, जो भी हम काम करें उसमें शुद्धता होना, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे रॉक एडिक्ट किए थे, उनमें जो है बहुत सारी चीज़ें भी उन्होंने बताई, अलग अलग रॉक एडिक्ट में उन्होंने जो है अलग अलग चीज़ें बताई कि भाई कितना पैसा थर्ड रॉक एडिक्ट में उन्होंने कितना पैसा खर्च करना चाहिए, कितना पैसा होना चाहिए उसके बारे में बताया। बाबू रॉक एडिक्ट में उन्होंने अपने जो है विश्वास के बारे में बताया कि कौन सी बिलीफ्स वो मानते हैं, बुद्धा धम्मा जो संघ है उसमें वो मानते हैं, और उन्होंने जितने भी अपने महामात्रा जो थे, ठीक है, उनको उन्होंने कहा, जो बड़े जो सेनापति सैनिक वगैरह थे, पाटलिपुत्रा के वगैरह जो थे, उन सबको कहा कि वो जितने भी भिक्षु और भिक्षुणी हैं जिन्होंने उनके परिषद को तोड़ने की कोशिश की है उन सबको क्या करें, बॉयकॉट करें, मतलब उनको त्याग दें। और उन्होंने ये भी कहा था कि नोबडी शुड किल एनी एनिमल, किसी भी काम के लिए कोई भी किसी एनिमल को नहीं मारेगा। उन्होंने माइनर रॉक एडिक्ट शो किया था कहाँ पर, सांची और सरनाथ में। सांची कहाँ बेटा? मध्य प्रदेश। और सरनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश, वाराणसी। धम्मा यात्रा, ओके, धम्मा यात्रा, आई विल टेल यू इन द शॉर्ट। धम्मा यात्रा क्या होती थी? मींस धर्म के लिए जो यात्रा की जाती थी, मतलब अपने धर्म को फैलाने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए जो यात्रा की जाती थी, दैट इज धम्मा यात्रा। पहले जो राजा यात्रा करते थे अपने एंटरटेनमेंट के लिए, एनिमल को मारने के लिए वगैरह यात्रा करते थे, लेकिन अशोका ने बाद में क्या है, धम्मा यात्रा अरेंज की थी, ट्रेवल फ्रॉम द निशेद बुद्धिस्ट प्लेसेस टू द गोल्डराज डोनेशन वेयर द ब्राह्मण्स एंड सरनाथ एंड एज पीपल, ठीक है, मतलब अपने रिलीजन के लिए वो यात्रा करते थे, उनके प्रचार प्रसार के लिए वगैरह यात्रा करते थे। देन वहाँ पर जो है डोनेशन गोल्ड और बुद्धिस्ट प्लेसेस में जो गोल्डराज डोनेशन वगैरह वहाँ पे जो है देते थे ब्राह्मण्स को, सरमंस को और एज पीपल को, क्या सोना चांदी का डोनेशन वगैरह देते थे, ओके। देन अनुसंधान अकॉर्डिंग ड्यूरिंग अशोका सीजन द स्टेट एम्प्लॉय परिदेशिक राजुकास युक्तास वर्सेंट ऑन द ट्रेवल फ्रॉम प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। अनुसाधन क्या होता है कि रिलीजन के लिए किसी भी व्यक्ति को रिलीजन को फैलाने के लिए, उसको प्रोपोगेशन के लिए, उसको उसके प्रीचिंग जो है पूरी दुनिया में फैलाने के लिए वो अपने लोगों को भेजा करते थे, अपने एम्प्लॉयज को जो है भेजा करते थे। धम्मा यात्रा में तो क्या है, लोग पहले वियराज वगैरह में जो है फॉरेस्ट ट्रेवल्स वगैरह करते थे, एनिमल्स को मारते थे, उनको सबको छोड़कर उनको ऐसे ट्रैवल करवाते, ऐसे प्लेस ऑफ सच ट्रैवल जहाँ पे अशोका धम्मा यात्रा अरेंज करते थे, बुद्धिस्ट प्लेसेस पे वगैरह जाते थे, ये थी धम्मा यात्रा। अनुसंधान मतलब, अनुसाधन मतलब क्या है, रिलीजन जितने भी जो उनके एम्प्लॉयज हैं वो कहाँ जाएंगे, दूसरी जगह पर जाएंगे, अपने धर्म का प्रचार वगैरह करेंगे। धम्मा महामात्रा इन द 14 ईयर ऑफ कॉरोनेशन, जब 14 ईयर हो गए उनके कॉरोनेशन के, राजा बने हुए, अशोका अपॉइंटेड धम्मा महामात्रास वो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू धम्मा महामात्रास उन्होंने बनाए थे, मतलब लीडर्स बनाए थे जो क्या है धर्म को, लोगों की सेवा करेंगे, धर्म को फैलाएंगे और क्या है दान पुण्य वगैरह करेंगे। प्रिजनर फ्रॉम द, जो भी प्रिजनर्स हैं उनको क्या करेंगे, जो भी कैदी हैं उनको या तो छोड़ दिया जाएगा या उनकी पनिशमेंट्स वगैरह कम कर दी जाएगी, और जो भी लोग उन पर निर्भर रहे हैं उनको फाइन, जो भी डिपेंडेंट्स हैं, ठीक है, उनके उधर काम करते हैं, उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको चीज़ें वगैरह जो भी उनकी ज़रूरत है वो पूरी की जाएगी, ओके। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंप्लीट आवर टॉपिक मौर्य डायनेस्टी एंड स्टार्ट सिंह डायनेस्टी, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।